हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। आइए आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 को। प्रश्नावली 1.3 में पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, डैश 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 पाई, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। या फिर अपरिमेय संख्या को हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्णतः वर्गमूल ना निकले, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गमूल ना निकले, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, इस प्रकार की जो संख्याएँ हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएँ। यहाँ पर पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई का मान यहाँ पे दे दिया जाए, आपको पाई बराबर 22/7 दे दिया जाए, तो 22/7 जो होता है वो एक प्रकार के इसका मानक रूप होता है और ये एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर केवल पाई की बात करेगा तो पाई जो होगा वो हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो आइए हम क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ उदाहरण के रूप में इसे समझ लेते हैं। तो हम पहला उदाहरण ले लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट टू को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट टू को एक परिमेय संख्या मान लेंगे और इस परिमेय संख्या को मान करके इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में जा करके हम अपनी अवधारणा को गलत सिद्ध करेंगे। और जब हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो जाएगी तो वहाँ पर होगा कि रूट टू जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हम मान लेते हैं, यहाँ से माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ से हम रूट टू को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट टू बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पर पी और क्यू दोनों सह अभाज्य संख्याएँ हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कॉमन केवल एक मिलेगा, एक के अतिरिक्त और कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है, तो उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। जब यहाँ से हम वर्क करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे। तो जब क्यू स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 से पी स्क्वायर को भाग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो अगर इस स्क्वायर को इधर भेजें तो पी स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, पी हो जाएगा, और पी भी क्या होगा हमारा 2 से विभाज्य। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 है, यहाँ पे पी के स्थान पे ऐसी संख्या रखेंगे जो 2 से विभाजित हो जाए। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो ऐसी संख्या रखेंगे जो 3 से विभाजित हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्याएँ रहेंगी उसी के हिसाब से हम इस पी का मान रखेंगे। तो यहाँ से पी बराबर रख देते हैं 2r। तो जब यहाँ पे पी बराबर 2r रखते हैं तो यहाँ से हमारा संख्या हो जाती है क्यू स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर बटे 2।
इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4r² / 2। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आता है 2r². यहाँ से हम आर स्क्वायर को इधर रोकते हैं, बाकी 2 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाता है आपका q² / 2 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q² चूँकि q² 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। जबकि हमने माना था कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना मिले, सिर्फ एक कॉमन मिले। तो यहाँ पे अगर p और q में देखा जाए तो यहाँ p में भी 2 कॉमन मिल रहा है और q में भी 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हो रही है। अगर यहाँ पे p और q दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने अवधारणा मानी है वो हमारी अवधारणा गलत है। तो यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है। और जब हमारी परिकल्पना गलत है तो क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, जो भी संख्याएं हमारे इस प्रश्नावली में आएंगी, प्रश्नावली 1.3 में जो भी क्वेश्चन आएंगे सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है या फिर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह के जहां भी क्वेश्चन आएंगे सबको हम सेम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसे p और q के परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे, परिमेय संख्या के रूप में मानने के बाद सहभाज्य संख्याएँ लिखेंगे, और उसके बाद फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में हमारी जो परिकल्पना है उसे गलत साबित कर देंगे, और जो संख्या में दी गई होगी वो हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले √5 को हम एक परिमेय संख्या मानेंगे, तो यहाँ से मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, अगर इसको हम परिमेय संख्या मानते हैं तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां से हम √5 बराबर लिखेंगे p by q, जहां पर p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ से हम वर्ग कर लेंगे दोनों पक्षों का, वर्ग करने पर जब यहाँ से वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर ये हो जाएगा p² / q². q² को हम इधर ले आएंगे और इस 5 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा q² = p² / 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि p² 5 से विभाज्य है, अतः p भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि जब स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो p² का जो वर्गमूल होगा वो p हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं अतः p भी 5 से विभाज्य होगा। उसके बाद हम पुनः इस p के स्थान पे ऐसी संख्या रखेंगे जो 5 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे हम रखेंगे p बराबर 5r। तो यहाँ से हम p बराबर 5r रखेंगे, तो जब इसको रखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा q² = 5r² / 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 25r² / 5। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5r². इस 5 को हम इधर भेज देंगे
तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो P और Q दोनों में कॉमन हमें 5 मिल रहा है, जबकि हम माने थे कि P और Q जो है वो सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें कॉमन कोई भी संख्या नहीं मिलती है, कॉमन केवल एक मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए P और Q में तो यहाँ पे कॉमन 5 मिल रहा है, इसका मतलब P और Q दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है। गलत है इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर पी बटे क्यू, जहां पी क्यू सहभाज्य संख्या है। संख्या है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो 3 लिखा हुआ है इस 3 को हम इधर भेज देंगे। जब 3 को हम इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 2√5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3। तो यहां से हो जाएगा 2√5 बराबर यहाँ से बटा 1 करके दोनों का एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम, तो आ जाएगा q। इससे इधर गुणा करेंगे p आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 3q। अब हम इस 2 को भी नीचे भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2q। अब यहाँ से देखा जाए तो LHS में हमारा √5 है, RHS में है p माइनस 3q बटे 2q। LHS में हमारा क्या है √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS में, जबकि जबकि RHS में P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा LHS जो होता है वो RHS के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो अवधारणा है वो गलत है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है।
गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं जिसमें पहला दिए गए 1/√2, दूसरा है 7/√5, तीसरा है 6+√2। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा 1/√2, इसको सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध करनी है तो इससे पहले हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब हम रूट टू को एक अपरिमेय संख्या मानेंगे तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू आ जाएगा पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, पी क्यू सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको तिरछा गुणा करा देते हैं। अगर हम तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा √2p इक्वल टू क्यू आ जाएगा। यहाँ से अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, यहाँ से जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2p² बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा p² बराबर q² / 2। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि q² 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू के स्थान पे ऐसी संख्या रखेंगे जो 2 से विभाजित होती हो। तो यहाँ पे हम रख लेंगे क्यू बराबर 2r। वहाँ पर हम लोगों ने पी बराबर 2r रखा था, लेकिन यहाँ पे क्यू बराबर 2r रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सेम उसका उल्टा है, विपरीत है। इस कारण यहाँ पे ऐसा करना पड़ रहा है, क्यू बराबर 2r जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमारी संख्या हो जाएगी p² बराबर यहाँ से 2r का स्क्वायर अपान 2, यहाँ से आ जाएगा 4r² अपान 2, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2r², इस 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा p² अपान 2 बराबर r². यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि p² 2 से विभाज्य है, अतः P भी 2 से विभाज्य होगा। चूंकि हम लोगों ने P और Q को सहअभाज्य संख्या माना था, इसका मतलब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q भी हमारा 2 से विभाज्य है और P भी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और जब दोनों में कॉमन 2 मिल जा रहा है तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है।
इसलिए वन अपॉन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, और अब हम इसके बाद इसका देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। और इस दूसरे क्वेश्चन को देखने के लिए थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का इसका नोट हो चुका होगा, तो आइए हम जगह बनाते हैं और बताते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसका कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। जहाँ भी हम परिमेय संख्या मानेंगे वहाँ पर इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे 7√5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, संख्या है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें जो 7 दिख रहा है, इस 7 को हम केवल इधर भेज देंगे, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। √5 बराबर यहाँ से हो जाएगा पी बटे 7 क्यू। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसके LHS पार्ट में √5 है और RHS पार्ट में पी अपान 7 क्यू है। तो यहाँ पर √5 देखा जाए तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पी बटे 7 क्यू जो है वो एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो LHS है और RHS है, ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है। परिकल्पना गलत है, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये हमेशा आपके पेपर में 1 से 2 नंबर में आएंगे, जब भी पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। तो इसका तीसरा क्वेश्चन था 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और इसको जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 सॉल्व किया गया था सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं, पहले माना 6√2 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6√2 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 6 दिख रहा है, इस 6 को हम सेम इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका √2 इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ से बटा a करके LCM ले लेंगे। तो √2 बराबर हो जाएगा आपका क्यू, ऊपर हो जाएगा p माइनस 6 क्यू। अब यहाँ से देखा जाए तो √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p माइनस 6 क्यू अपान क्यू एक परिमेय संख्या है,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो इसका LHS है और RHS है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पी माइनस सिक्स क्यू अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी जो परिकल्पना है वो परिकल्पना गलत है। लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए 6+√2 अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.3 यहाँ पे समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और उसके इंट्रोडक्शन के विषय में हम जानकारी करेंगे। धन्यवाद।